आर्ट एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो मैनकाइंड को ये ताकत देता है पूरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। और आज हम इसी आर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए एक अनोखे म्यूजियम में आए हैं यहाँ गोवा में, जो है म्यूजियम ऑफ गोवा, जहाँ पे आपको एक काफ़ी अनोखा मॉडर्न और एक वाइब्रेंट आर्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये वीडियो जो भी आर्ट लवर्स है उनके लिए ये काफ़ी ट्रीट है, तो आप बने रहिए पूरा समय मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही डिफरेंट आर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आइए इस ओशन ऑफ आर्ट को आज हम एक्सप्लोर करते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमर एंड वेलकम टू अ वेरी डिफरेंट वीडियो। आज ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अलग है। और आइए मेरे साथ, इस वक्त हम चलते हैं पिलरने, जो है गोवा में। और पिलरने म्हापसा से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है और पंजिम से एक 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका गूगल मैप मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है एक्चुअली, एंड इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड दिस प्लेस। तो आप गूगल मैप को फॉलो करके यहाँ पे आइए। तो इस वक्त हम म्यूज़ियम के ठीक सामने हैं और ये है म्यूज़ियम का एंट्री गेट। यहाँ से हमें म्यूज़ियम के अंदर जाना है। तो जैसे आप अंदर जाएंगे, एंट्रेंस पे इनका टिकट काउंटर है, वहाँ से आपको टिकट लेना है। द कॉस्ट ऑफ द टिकट इज़ 300 रुपीज़। तो इस मेन गेट के सामने कुछ एक दो स्क्रप्चर्स रखे हुए, हम जस्ट इसको एक्सप्लोर करके अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो इस वक्त हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं और ये ग्राउंड फ्लोर है। इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, तो और दो फ्लोर्स है जहाँ पे हम और भी आर्ट को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर पे जो भी आर्ट्स रखा हुआ है मैं उनको आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गोवा में काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है, उसी चीज़ को यहाँ पे एक आर्ट फॉर्म में बताया गया है, जहाँ पे ये एक बोट है जिसपे काफ़ी भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई है। और ये इसे इस तरीके से रखा हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जब ये बोट चलता है तो किस तरीके से ये फ्लोट होता है बोट के ऊपर। तो दिस इज़ अ वेरी यूनिक आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग और ये काफ़ी सुंदर है। और दिस बोट इज़ एन ओरिजिनल गोवन बोट, ये एक ओरिजिनल बोट है वुडन का, और उसके ऊपर ये काफ़ी कलाकृति रखी हुई है, काफ़ी देवी देवताओं और काफ़ी भगवान की यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है। तो ये गोवा ऑफ आग के नाम से इस आर्ट को जाना जाता है। एक हाफ कट एक्चुअल बोट है जिसे एक आर्ट फॉर्म में तब्दील किया गया है, एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग एक्चुअली, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट, दिस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये कोई गाड़ी का पार्ट है जिसके ऊपर कुछ मूर्तियों को रखा गया हो और इसे बहुत ही ब्यूटिफुली तरीके से बताया गया है। टॉप में यहाँ पे गणपति गणेश जी विराजमान है यहाँ पे, और बाकी पूरे इसके पार्ट्स में छोटे छोटे मूर्ति रखे गए हैं और इसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया गया एक्चुअली। सो ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट करने के बाद अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर को हम जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मेरे साथ, लेट्स गो टू द फर्स्ट फ्लोर। सो फर्स्ट फ्लोर इज़ डेडिकेट टू पेंटिंग एंड पेंटिंग इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड आई रियली लव पेंटिंग्स। तो मैं यहाँ पे काफ़ी समय थोड़ा बिताना चाहूँगा यहाँ पे, और मैं आपको भी यहाँ पे पेंटिंग्स दिखाना चाहता हूँ, बिकॉज देर आर सम ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग पेंटिंग्स जो यहाँ पे शोकेस किया गया है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जो मेरा अटेंशन क्रिएट किया है, जो मैं आपको बताना चाहता है, दिस इज़ दिस पेंटिंग।
दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग। इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि लेडी के हाथ में एक लैम्प है जिसमें से रोशनी निकलती है, उसको किस तरीके से पेंट से बताया गया है, इट इज़ रियली अमेजिंग। दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट पेंटिंग्स एवर सीन। दिस इज़ रियली अमेजिंग एक्चुअली। हम जस्ट देख पढ़ने की कोशिश करता हूँ द पर्सन हु हैज पेंटेड दिस, बट इट्स नॉट क्लियर ऑन माई कैमरा, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पेंटिंग एंड दिस इज़ रियली एन अमेजिंग पेंटिंग। यहाँ पे अंदर कुछ और भी पेंटिंग्स है, चलिए हम जस्ट उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप एक पेंटिंग के लवर है तो आई थिंक दिस फ्लोर इज डेडिकेटेड टू यू। यू हैव टू कम एंड विजिट दिस प्लेस। देर आर सम रियली अमेजिंग पेंटिंग्स ऑन दिस फ्लोर। सो आफ्टर फर्स्ट फ्लोर वी आर गोइंग टू द सेकेंड फ्लोर और हम अब चल के सेकेंड फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। ये बेसिकली टेराकोटास है जिसके ऊपर डिज़ाइन बनाया हुआ है एंड दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग एंड समथिंग वेरी डिफरेंट, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है एक्चुअली, एंड ये आपके घर पे सजाने के भी काम आ सकता है। तो अब यहाँ से हम सेकंड फ्लोर चलते हैं और सेकंड फ्लोर पे भी यहाँ पे काफ़ी पेंटिंग्स और काफ़ी स्क्रप्चर्स रखा हुआ है, तो चल के हम उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे ये एक बहुत ही अनोखा आर्ट फॉर्म को यहाँ पे दर्शाया गया है। बेसिकली ये शिप्स के एंकर्स है जो काफ़ी सालों तक आई थिंक इट वाज बिलो द ओशन, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो शेल्स है वो पूरे स्टिक हुए, पूरे ये पूरा शेल से भरा हुआ है। तो ये एकदम रॉ फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसे आई थिंक इसे समंदर से निकाल के यहाँ पे शोकेस किया गया है, और बाकी यहाँ पे जितने भी आपको आर्ट दिखेगा ये सारे सी शेल से बने हुए आर्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लेट्स है, और इधर आसपास में जितनी भी जो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये भी शेल से बना हुआ है। तो इस फ्लोर के अंदर जितनी भी आर्ट फॉर्म्स है वो पूरे शेल से बने हुए हैं। इस फ्लोर पे आपको काफ़ी यूनिक तरीके का एक आर्टवर्क देखने मिलेगा, काफ़ी वाइब्रेंट आर्टवर्क है ये, और ये एक मॉडर्न आर्ट का एक हिस्सा है। तो आइए इस फ्लोर को एक अच्छी तरीके से हम एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज देर आर मेनी ब्यूटिफुल आर्ट्स ऑन दिस फ्लोर। एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट। आपने पहले कभी ऐसी कलरफुल चिलीज देखी है क्या? दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये एक अलग टाइप का इमेजिनेशन है and this is really very nice।
दिस इज अमेजिंग पीस ऑफ आर्ट। ये एक शिवलिंग के ऊपर एक्चुअली वैक्स से इसे कवर किया गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उसे स्नो से पूरा कवर किया हुआ है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट एंड दिस इज रियली वेरी नाइस एंड अमेजिंग। और इसी फ्लोर के इस सेक्शन में देर आर सम यूनिक फोटोग्राफ्स विच आर कैप्चर्ड इन गोवा और कुछ एक अमेजिंग आर्ट या पेंटिंग्स यहाँ पे रखा हुआ है। तो आइए हम इसको भी जस्ट एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। सेकेंड फ्लोर से अब हम ऊपर चलते हैं। बेसिकली ऊपर टेरेस है जिसे कवर करके एक और एक एक्स्ट्रा रूम बनाया गया है। तो यहाँ पर भी कुछ पेंटिंग्स और कुछ यूनिक आर्ट है, हम चल के जस्ट उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और उसके साथ में ये है आपके लंग्स जो ये प्योर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। आई थिंक ये आर्ट फॉर्म इज़ रियली अमेजिंग और ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ योर लंग्स नीड अ फ्रेश एंड ग्रीन एनवायरनमेंट एंड अ गुड ऑक्सीजन। सो दिस इज़ द लास्ट स्कल्पचर ऑन दी टेरिस। इसके बाद हम यहाँ से ग्राउंड फ्लोर जाएंगे जहाँ पे कैंटीन है, वहाँ पे जाके विल हैव सम टी और स्नैक्स। और आप भी यहाँ पे आने के बाद स्नैक्स, टी, कॉफ़ी या ब्रेकफास्ट कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इस कैंटीन की ठीक पीछे भी देयर आर सम आर्ट्स जो यहाँ पे ग्राउंड पे बनाया गया है। तो आइए उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं चलते चलते। तो ये इस म्यूज़ियम का लास्ट सेक्शन है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे आपको कुछ और आर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप ये आर्ट्स आपको काफ़ी यूनिक और एक वाइब्रेंट और एक आपको देखने में काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हुआ होगा। तो आप जब भी गोवा आएंगे तो आप इस प्लेस को आप ज़रूर विज़िट कीजिए बिकॉज ये एक आर्ट लवर के लिए आई थिंक दिस इज़ लाइक अ पैराडाइज। इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशन ये जो काफ़ी आर्ट्स में यहाँ पे जो रखे गए हैं, तो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय इट। तो आप जब भी गोवा आएंगे तो आप म्यूज़ियम ऑफ गोवा को आप ज़रूर विज़िट कीजिए।
टिकट काउंटर के ठीक सामने यहाँ पे सोयनर शॉप है, तो आप यहाँ से कुछ भी याद के लिए या जस्ट फॉर योर रेफरेंस आप कोई भी चीज़ यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा और ये आर्ट आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मेरे चैनल को एक बहुत अच्छा सपोर्ट और एक बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो भी कमेंट्स है वो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताइए, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, तो आने वाले वक्त में मैं कुछ ऐसी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊँगा, और आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को उसका नोटिफिकेशन आप ले सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।